प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आपने 8 और 9 अक्टूबर तक अपना रजिस्ट्रेशन और प्रेफरेंसेस की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली है। मैंने आपसे ये कहा था पिछले वीडियो में कि 10 से 15 अक्टूबर तक काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आज 13 अक्टूबर है और अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट नहीं हो पाई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया दरअसल आरंभ करने में देरी इसलिए हो रहा है क्योंकि विश्वविद्यालय काउंसलिंग की व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करना चाहता है, यानी काउंसलिंग से संबंधित जो अलग अलग पहलू हैं उस पर काउंसलिंग के दौरान किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न न हो जिससे विद्यार्थी और विश्वविद्यालय दोनों को परेशानी हो, इसलिए तमाम तरह के पहलुओं और बारीकियों को बहुत ही अच्छे तरीके से दुरुस्त करने पर काम चल रहा है और जल्द से जल्द काउंसलिंग की प्रक्रिया को आरंभ किया जाएगा। इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप धैर्य बनाए रहें। मुझे लगता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया 15 तक या 15 से पहले हो सकती है वो स्टार्ट हो जाएगी। जहां आपने प्रेफरेंसेस भरा है, यानी जब आप 9 अक्टूबर को प्रेफरेंसेस भर रहे थे तो जहां जहां आपने प्रेफरेंसेस भरा है वहां पर आपको एडमिशन का मौका मिलेगा, और जिस कॉलेज में आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है भले आपका इंडेक्स ज़्यादा रहेगा आपको वहां पर एडमिशन कराने का मौका प्रदान नहीं किया जाएगा। ठीक है, प्रेफरेंसेस जहां जहां भी आपने भरा है उन सभी जगहों पर यानी सभी सेंटर्स पर आपके इंडेक्स के आधार पर एडमिशन करने का मौका दिया जाएगा। विश्वविद्यालय यह कोशिश करेगा कि आपको आपके इंडेक्स के आधार पर फर्स्ट प्रेफरेंस को प्रदान करें, लेकिन अगर उस कट ऑफ में आपका इंडेक्स नहीं आता है तो आपको विश्वविद्यालय की तरफ से अंतिम जो आपका प्रेफरेंस है वहां तक एडमिशन देने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक ही बच्चे को एक से अधिक सेंटर पर काउंसलिंग के लिए कॉल लेटर जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट मेन BHU मेन कैंपस के अलावा एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी पढ़ना चाहता है और उसके लिए उसने प्रेफरेंसेस भरा है, ठीक है, अगर मान लीजिए फर्स्ट राउंड में उसको मेन कैंपस के लिए काउंसलिंग किया जाता है और उसको मान लीजिए वहाँ एडमिशन नहीं होता है, तो उस कंडीशन में जब एफिलिएटेड कॉलेजेस की काउंसलिंग होगी और उसका इंडेक्स निश्चित रूप से हाई होगा तो उस कंडीशन में उसने अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस का प्रेफरेंसेस भरा होगा तो वहां पर भी उसको एडमिशन कराने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही उसके इंडेक्स के आधार पर जितने भी वो सेंटर्स में रजिस्ट्रेशन किया है और साथ ही साथ प्रेफरेंसेस भरा है वहां पर उसको इंडेक्स के आधार पर एडमिशन कराने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आपने प्रेफरेंसेस नहीं भरा है तो आपका इंडेक्स ज़्यादा होने के बावजूद भी उस कॉलेज में उस सेंटर पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा जहां पर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है। ठीक है, चूंकि CUT यानी जो कंबाइंड एडमिशन की जो प्रक्रिया है या पहली बार शुरू की गई है, इसलिए विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें हम दोनों को मिल करके सहयोग करने की ज़रूरत है। आप निश्चित रूप से धैर्य बनाए रखें और जल्द से जल्द इस काउंसलिंग की प्रक्रिया को शुरू करके आपको इसके लिए इन्फॉर्मेशन जाएगी। ठीक है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अगली बार इस तरह की एडमिशन प्रक्रिया को लेकर विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को इतना ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जिनका लॉगिन न हो पाने की वजह से वो प्रेफरेंसेस नहीं भर पाए और काउंसलिंग की प्रक्रिया से बाहर हो गए, उनके लिए मुझे बेहद अफसोस है, क्योंकि इस चीज में ये टेक्निकल चीज है, या आप इंटरनेट या जो टेक्नोलॉजी की असफलता मान सकते हैं, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ों को सुनकर के दुख होता है, क्योंकि लॉगिन न हो पाने की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ने एडमिशन की प्रक्रिया या काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर पाए थे।
इसके अलावा आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि कुछ चीज़ों पर आप निश्चित रूप से ध्यान दें, समझने की कोशिश करें। आप बिल्कुल आपने प्रेफरेंसेस भर दिया है और आपने अपने तरफ से जितने भी महत्वपूर्ण काम है उनको कर दिया है। अब विश्वविद्यालय की तरफ से काम करना शेष रह गया, जिसकी तैयारी विश्वविद्यालय पूरी जोर के साथ पूरी एकदम तैयारी के साथ लगा हुआ है और जल्द ही जल्द इसको पूरा करके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उससे पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किया है रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास रखे रहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मान लीजिए साफ सुथरा दिखाई नहीं दे रहा है, या आपने पुराना लगाया है, या किसी कारणवश आपने अपलोड नहीं कर पाया है, तो हो सकता है एडमिशन कमेटी की तरफ से आपको वो डॉक्यूमेंट्स जमा करने का एक अंतिम मौका दे। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से एक जगह रख लीजिए, अगर ऐसी ज़रूरत होती हो तो निश्चित रूप से आप उसको एडमिशन कमेटी को उपलब्ध कराइए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपका एडमिशन होने के संदर्भ में फीस जमा करना होगा। तो जो भी फीस है, अगर मान लीजिए मेन कैंपस में अगर आपका एडमिशन होता है तो लगभग 3-4 हज़ार के करीब फीस है, तो आप फीस की व्यवस्था भी करके रखिए। और मान लीजिए कि अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में आपका एडमिशन होता है, हालांकि मेन कैंपस भरने के बाद ही एफिलिएटेड कॉलेजेस में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसके लिए भी जो निश्चित फीस है 8-9 हज़ार के करीब, वो भी फीस की व्यवस्था आप करके रखिए। मेन कैंपस में जो एफिलिएटेड कॉलेज की फीस है, यानी मेन कैंपस और एफिलिएटेड कॉलेज की जो फीस है उसमें काफ़ी अंतर है। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो लगभग हर जगहों पर 10 हज़ार के करीब पेड सीट की जो फीस है वो निर्धारित की गई है। अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेते हैं तो उसका नियम ये है कि आपको उस सेंटर का रेगुलर फीस प्लस पेड फीस दोनों जोड़ करके आपको पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आप मेन कैंपस में पेड सीट में एडमिशन लेते हैं और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मेन कैंपस में जो रेगुलर फीस है वो 3,000 रुपये है और वहाँ की पेड फीस मान लीजिए 10,000 है, तो अगर आप मेन कैंपस में पेड सीट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 3,000 रेगुलर प्लस 10,000 पेड सीट, यानी 13,000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा एक साल के लिए। यानी BHU में कोई भी फीस जो जमा होती है वो एक साल के लिए होती है, ठीक है। उसी तरीके से मान लीजिए किसी कॉलेज में, यानी एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आपका पेड सीट में एडमिशन होता है और मान लीजिए कि उस कॉलेज की रेगुलर फीस 8,000 है और पेड सीट 10,000 है, तो आपको रेगुलर फीस प्लस पेड सीट दोनों मिला करके एक साल के लिए जमा करना होता है। यानी अगर 8,000 रेगुलर फीस है और 10,000 पेड सीट है तो आपको 18,000 रुपया पर ईयर जमा करना होगा, यानी तीनों साल 18,000, 18,000 और 18,000 जमा करना पड़ेगा, ठीक है। यह सभी का सभी फीस कैसे आप जमा करेंगे, ऑनलाइन जमा करना पड़ेगा। एडमिशन होने की अवस्था में 24 घंटे के अंदर यदि आप अपना फीस जमा नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है, और यदि आप फीस जमा कर देते हैं तो आपका एडमिशन 100% श्योर हो जाता है। फीस जमा होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा, 100% आपका एडमिशन श्योर हो जाता है, निश्चित हो जाता है। रेगुलर सीट भरने के बाद पेड सीट का एडमिशन किया जाता है, और पेड सीट भरने का भी जो क्राइटेरिया है वो वही है कि हाई इंडेक्स के लो इंडेक्स की तरफ जाया जाता है। यानी पेड सीट में भी उन्हीं विद्यार्थियों को सबसे पहले मौका दिया जाता है जिनका एडमिशन रेगुलर में नहीं हो पाया, यानी रेगुलर में न हो पाने वाले विद्यार्थियों को भी पेड सीट में सबसे पहले मौका दिया जाता है, क्योंकि उनका इंडेक्स बहुत हाई होता है। हॉस्टल की फीस आपको अलग से देना होता है और सभी कॉलेजेस की हॉस्टल की फीस में अंतर हो सकता है। आप कॉलेज की फीस और कॉलेज से संबंधित हॉस्टल की फीस के लिए संबंधित कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी के लिए विजिट कर सकते हैं। कुछ और भी चीज़ों पर निश्चित रूप से आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे यदि आप अपने एडमिशन, यानी आप अपने एडमिशन यानी जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन एंड कॉलेजेस, जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपने भरा है और उनमें से जो मिल रहा है
उस सब्जेक्ट कम्बिनेशन और मिलने वाले कॉलेज से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, उसी अवस्था में आपको फीस जमा करना चाहिए। यदि आप कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं या सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संतुष्ट नहीं हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फीस जमा करके उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं या उस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं या नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, क्योंकि फीस जमा होने के बाद, एक बार यदि आपने फीस जमा कर दिया, तो उसे एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर कराना फिर भी आसान होता है, लेकिन अगर आप किसी कारणवश अपना एडमिशन विदड्रॉल कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उस कंडीशन में फीस वापस लेना थोड़ी मुश्किल प्रक्रिया हो जाती है, क्योंकि आपको एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और एक लंबा समय भी आपको देना पड़ सकता है। इसलिए आप सोच समझ करके निर्णय लें और अपना फीस जमा करें। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि यदि आप अपनी फीस जमा नहीं करते हैं, तो 24 घंटे के बाद आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है और आपके जगह पर जस्ट दूसरे नंबर पर आने वाले विद्यार्थी को मौका दे दिया जाता है। एडमिशन के बाद सभी कैटेगरी के बच्चों को नियमानुसार गवर्नमेंट के तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान किया जाता है, जिसका लाभ भी आप लेते हैं। इसके अलावा जैसे कोई नया अपडेट्स आएगा, मैं आप तक निश्चित पहुंचाता रहूंगा। किसी तरह का प्रश्न हो या किसी तरह का समस्या हो, तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहिए। मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, असिस्टेंट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, आप सभी को आपके एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।